आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सबसे पहले आपसे कृषि फसलों में उस कृषि फसल के बारे में जानना चाहूंगा जिस पर इस वक्त निवेशकों की वायदा बाजार में और किसानों की हाजिर में निगाहें टिकी हुई है, यानी कि सोयाबीन। कर्नल अजय जी, हमने सोयाबीन में तेजी भी आते हुए देखी है, मंदी भी। तेजी में सब लोग बोलते हैं तेजी है, मंदी में बोलते हैं मंदी है। 100-200 पॉइंट की ऊपर नीचे भाव लगाकर दे दिया जाता है और बहती गंगा में सब लोग हाथ धो लेते हैं। लेकिन जब सोयाबीन गिरावट की ओर जा रहा था, तब आपने ही सबसे पहले बोला था कि सोयाबीन में घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तेजी बिल्कुल बनेगी, और वो हमने होता हुआ भी देखा है। अब किसान आपसे ये मांग कर रहे थे बार बार कि कर्नल अजय से जानिए कि सोयाबीन का अब आगे का क्या भविष्य है, यहाँ से अब सोयाबीन में क्या करके चला जाए, अब सोयाबीन यहाँ से कहाँ तक जा सकती है। अखिलेश जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि जब सोयाबीन में तेजी बन जाती है तो लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ तेजी तेजी चिल्लाने लगते हैं और जो भी भाव चल रहा होता है उससे 200-300 रुपए ऊपर आगे की बात बोल देते हैं। विपरीत जब बाजार गिरावट की ओर होता है तो बाजार के अंदर जो भी भाव चल रहा है उससे नीचे 300-400-500 रुपए नीचे बता देते हैं, और इससे नतीजा ये रहता है कि किसान हो या मिलर्स हो, वो देख भ्रमित हो जाते हैं कि अब किया क्या जाए। गौरतलब है कि जब सोयाबीन की फसल आने का समय था, 5000 के आसपास सोयाबीन की भाव लगभग थे और कहीं तो बहुत उससे नीचे भी थे। उस वक्त इसी आपाधापी के अंदर आंकड़ों के ऊपर और मार्केट के कुछ विशेषज्ञ के द्वारा जो बात की गई, उससे जो मिलर्स हैं या खाद्य तेल के व्यापारी हैं या खाद्य तेल के जो मिल ऑनर्स हैं उनके बीच में बड़ी कफ तकलीफ हो रही है, क्योंकि इन्होंने नीचे के अंदर माल खरीदा नहीं। जब नीचे से माल नहीं खरीदा, ऊपर के जब दाम 30-35% बढ़ गए तो उनके लिए अब बड़ी मुसीबत का कारण बन गया है, क्योंकि नीचे से माल खरीदते वो, और जिसने मार्केट टाइम्स और हमारे दूसरे चैनल्स के ऊपर हमारा वक्तव्य सुना था, उन्होंने माल खरीदा और वो बहुत शानदार उन्होंने पैसा भी बनाया उन्होंने, अब क्योंकि उन्होंने नीचे का माल, नीचे के लेवल पे माल खरीदा हुआ है, तो वो ऊपर के दाम पे आराम से कंफर्टेबली अपना ट्रेड और व्यवसाय कर रहे हैं। लेकिन जिन मिल ओनर्स ने माल नहीं खरीदा खाद्य तेल के, उनके लिए उन्होंने और मंदी की धारणा धरी और 1-1.5 महीने के अंदर उनके लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी हो गई कि अब माल खरीदे या बेचें। यदि खरीदते हैं ऊंचे दाम पर तो उनके भाव ऑलरेडी परवरते नहीं है, और यदि इंतजार करते हैं तो आगे के लिए उनके पास कच्चे माल की बड़ी समस्या है। तो अब ये जो बड़ी असमंजस की स्थिति है, किसान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किसान को जैसे हमने पहले भी कहा था कि आप यदि आप होल्ड कर सकते हो तो आपको मुनाफा मिलेगा, तो उसको मुनाफा मिल रहा है, और किसान तो अब जितनी जरूरत होगी उतना ही माल बेचता है, उसके घर में जितनी आवश्यकता होती है, जितना उसको घर चलाने के लिए चाहिए या अपनी डेली नीड्स की रिक्वायरमेंट की है, उसके हिसाब से वो माल बेचता है। लेकिन किसानों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या भी है, वो समस्या राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसका कोई समाधान हो, ऐसी हमारी सरकार से भी अपील है इस टीवी चैनल के जरिए कि किसानों के पास स्टोरेज करने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। व्यापारी वर्ग के पास जरूर स्टोरेज का यानी भंडारण का या गोदाम की उनके पास सुविधा है, लेकिन किसानों के पास में जो छोटे और मझोले किसान हैं उन और जिनके पास पूरे गोदाम को किराया पे लेने की क्षमता नहीं है, उनके लिए अपना माल कहाँ रखें, यदि वो माल रोक के बेचना चाहें तो वो कहाँ बेचें, वो कहाँ उसको भंडारण करें, कहाँ उसका स्टॉकिंग करें, कहाँ उसका वेयर हाउसिंग करें, ये एक बड़ी समस्या पूरे भारत देश में है। तो मैं सरकार से भी यही अपील करूंगा छोटे और मझोले किसानों की तरफ से और छोटे और मझोले व्यापारियों की तरफ से भी कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि छोटे मझोले किसानों का छोटी मात्रा के अंदर भी
पर्याप्त भंडारण हो पाए और जब बाजार और वो अपना फसल वहां रख पाए और उस टाइमली उसको उसको आगे के ऊंचे दामों में जब भी उनको मिले वो बेच पाए। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो किसान को तो अपना माल धीरे धीरे बेचना ही पड़ेगा उनकी अपनी आवश्यकताओं के आधार पर भी और उनकी भंडारण की समुचित व्यवस्था नहीं होने के वजह से भी। लेकिन व्यापारी वर्ग जिनके पास क्षमता है वो रोक सकते हैं। अब मिलर्स के साथ में जैसे मैंने कहा ये बहुत बड़ी समस्या है और उस समस्या के लिए मैं यही कहूंगा कि सोयाबीन के ऊपर हम एक विशेष शो करेंगे मार्केट टाइम्स के अंदर कि सोयाबीन का अब आगे 2-3 महीने का क्या भविष्य है। और ये निश्चित रूप से है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जिन मिलर्स ने वो पहले हमारा प्रोग्राम नहीं देखा या देखकर भी अनदेखा किया आज वो नतीजा भुगत रहे हैं। अब आगे क्या होगा उसके लिए मैं अखिलेश जी से निवेदन करूंगा कि एक विशेष एपिसोड हम वीकेंड्स के अंदर करेंगे, तब तक आप इंतजार कीजिए। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।